तो गाइस देखिए, अगर आपको शॉपिंग करना है इटली में, इटली के मिलान शहर में, तो अगर स्पेशली आपको शू शॉपिंग करना है, ब्रांडेड शू, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो स्कालो मिलानो है, आप यहाँ पे आ सकते हो। स्पेशली यहाँ पे आउटलेट्स जितने रहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, आपको यहाँ पे आउटलेट्स में आराम से मिल जाएंगे, डिस्काउंट्स में मिल जाएंगे। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब इतना कम में मिल गए ब्रांडेड शू। तो नेचर बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, एंड सीट की तरफ से केम छो। तो इसके बारे में अभी हम लोग शॉपिंग करने आए हैं, तो डिटेल और शेयर करेंगे, मतलब क्यों फेमस है, आप लोग क्या लेने आ सकते हो, कितना सस्ता है, महंगा है कि नहीं मिलान से, हाँ। वो पूरा इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कालो मिलानो आउटलेट एंड मोर। यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं कब से क्या है, और पब्लिक हॉलीडेज देख सकते हैं कब छुट्टी रहता है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। देख सकते हैं जैसे एंट्रेंस पे मिलानो स्कालो करके है, और यहाँ पे हम लोगों को मैप मिल जाएगा, टच है, हम लोग आराम से टच कर सकते हैं। फिर कहाँ पर है देख सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पे कंपनियाँ ब्रांड्स के शोरूम, ढूंढते ये नाइक का शोरूम है, बाद में जाएंगे, लेकिन सिद्ध को एडिडास के शोरूम में जाना है। यहाँ पे एडिडास का शोरूम है, तो एडिडास में जाते हैं क्योंकि सिद्ध को शू लेना है। क्या ट्रैकिंग का शू है? हाँ, ट्रैकिंग शूज काफी अच्छे भी है। कितने का है ये? 100 यूरो का है। एक्चुअल प्राइस इसका 140 यूरो है, लेकिन 30% ऑफ है, तो 98 यूरो में मिल जाएगा ये शू। अभी एडिडास के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं नाइक के शोरूम में, देखते हैं यहाँ पे कुछ पसंद आता है कि नहीं। फाइनली अभी नाइक का शोरूम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे सेक्शंस हैं किड्स, मेंस, बॉयस, गर्ल्स, लेडीज, सबके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये नाइक का जो 114 यूरो का है, 30% ऑफ होकर 80 यूरो में मिल रहा है, ये 62 यूरो का। यहाँ पे देख सकते हैं 33 यूरो का एक शू है नाइकी का, ये 31 यूरो का ऑफ में चल रहा है नाइक का, 38 यूरो, ये भी अच्छा है, दे सकते हैं 83 यूरो का है नाइकी का है, यहाँ पे इधर 62 यूरो का। ये शू कैसा है सिद्ध? फटा वटा स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल स्टाइल है। 31 यूरो मतलब अच्छा है प्राइस है इसका, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मेरे ख्याल से। फाइनली इतना मैं घूम घूम के मुझे ये जूता बहुत पसंद आया है, तो क्योंकि ग्रीन कलर है तो मुझे बहुत पसंद है ग्रीन। हाँ, 49 का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन चलो देखते हैं, ले लेते हो, क्या बोलते हैं? ले लो उठाओ। दो जूते नाइकी के उठाया हूँ, तो दोनों मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं कौन अच्छा है, जो अच्छा रहेगा उसे मैं ले लूँगा। डन, छा जाएंगे भाई। ये फिक्स करते हैं। चलो डन। 42 मी कॉन्फर्मी? सी। फाइनली मैं नाइकी का जूता ले लिया हूँ, और एक खुशी की बात है क्योंकि ऑलरेडी इसमें 30% डिस्काउंट था, 30 यूरो का था, तो हम लोग बोले कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कुछ डिस्काउंट है कि नहीं, तो फिर अपना कार्ड दिखा, आईडी कार्ड रहा कॉलेज का, तो ऊपर से 10% एडिशनल डिस्काउंट मिला। तो आप कहीं भी जाते हो स्पेशली इटली में शॉपिंग करने के लिए, तो आप ज़रूर पूछना कि स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग स्टूडेंट्स को रेस्पेक्ट देते हैं, और हर एक कैटेगरी में ऑलमोस्ट डिस्काउंट्स रहता है स्टूडेंट्स का, तो आप उसको यूटिलाइज़ करिएगा। फाइनली मुझे 28 का नाइकी का जूता मिला है, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार नाइकी का जूता यूज़ कर रहा हूँ, बहुत खुशी है। चलिए देखते हैं, हम भी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं आजकल, क्या बोलते हैं उसे। यहाँ पे आए मतलब बहुत ही डिफरेंट स्टोर है, यहाँ पे शू इतने तरीके अलग अलग के मिल रहे हैं, देखते 80 यूरो का है एक जूता, देख सकते हैं 80 यूरो का, और यहाँ पे भी कुछ अलग अलग से मिल रहे हैं, ये हमको मिला, देख सकते हैं। यहाँ मैं थोड़े ज़्यादा देर रुका ना, तो लेना पड़ जाएगा पक्का, इतना पसंद आ गया सीद को। प्राइस भी मतलब पसंद का नहीं, प्राइस देखो,
ये सेम जूते ये कंपनी का नाम क्या है? क्या नहीं, कंपनी का नाम तो ये कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का कंपनी के जूते देख सकते हैं भाई, हम तो ये देख सकते हैं कॉन्वर्स का शू 65 यूरो का है। ये कौन रणवीर कपूर ऐसे जूते पहनता होगा ना। देख सकते हैं एक और शू का शोरूम है मिलुशो करके, पता नहीं करो फुटवेयर करनी है यहाँ पे जन्नत है। हाँ वो बात तो है। कितने गंदी 199 200 यूरो का पर इतना महंगा 199 यूरो। बट ये हैंडक्राफ्टेड लेदर, हैंडमेड लेदर है, ये सब पूरा हाथ से बनाया हुआ है मेलुशो का 199 यूरो। देख सकते हैं स्केचर्स है, तो स्केचर्स में हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे कितने का मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जूता है या फिर सैंडल है, 65 यूरो का स्नीकर्स। ये शू था शेट कितने का है? ये है 89 का, मीन्स 90 का। तो ये 90 यूरो का शू है, 62 यूरो का, 90 यूरो का था लेकिन ऑफ में 62 आ गया है। ये भी 62 ऐसे। तो सीध को एक जूता पसंद आया है और ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं इनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। फाइनली सब घूमने के बाद अभी हम लोग पूमा के स्टोर में जा रहे हैं, पूमा आउटलेट, और देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्राइस कैसे हैं, और फिर कंपैरिजन करके भी बताएंगे। चलिए तो ये हो गया पूमा का स्टोर, बहुत ही बड़ा है देख सकते हैं, 50% ऑफ है। ये पूमा का देखें 75 यूरो का है, यहाँ पे देख सकते हैं पूमा का 74 यूरो का है। शू तो इसे मस्त दिख रहा है सिर्फ, क्या बोलते हो खड़ा क्या है ये शू? हाँ ये शू भी देखते हैं 74 से, अंदर से काफ़ी 74 यूरो का है, मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वेराइटी के शूज 52 यूरो है। अभी महंगा है कि सस्ता मुझे तो नहीं मालूम, आप लोग बताइएगा जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं कि पूमा के इस वैरायटी वाले सस्ते हैं या अमीर मांगे हैं। 45 यूरो, 52 यूरो, 72 यूरो। और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स फुटबॉल के हैं, सीधे फुटबॉल के हैं क्या? फुटबॉल के जूते देख क्या, अच्छा ये सब स्टील का रहता है क्या सिर? अरे सुमन भाई, अरे अरे ये बच्चों के लिए, अरे वाह। बट फिर भी ये जूता कोई लेता भी है? कितना मस्त लग रहा है, क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। चलो सिर्फ दो ले लेते हैं, फ्यूचर में काम आएगा भाई। अभी क्या ये जो प्राइस कम है ना, उस टाइम में भी प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, फिर सेविंग हो जाएगा, उस हिसाब से तो काफ़ी कुछ लेना चाहिए। चलो बात तो सही है सिर्फ, अभी शादी के लिए लड़की तो ढूंढना था पहले। कितने का है BMW? 63 यूरो का देख सकते BMW विथ पूमा कलेक्शंस के ये जूता 60 यूरो, एक्चुअल MRP इसका 100 यूरो है लेकिन 60 यूरो मिल रहा है। ये 49 यूरो का मिल रहा है पूमा का, ये मस्त है 49 यूरो। ये 56 यूरो, ये कैसा है सूट? कलरफुल कलरफुल दिख रहा है। ये 56 यूरो, नहीं जाऊँगा देख सकते हैं पूमा कोलैबोरेशन विद फेरारी 50% ऑफ, लेकिन प्राइस इसका नहीं लिखा है राइट? 53। ये सब फुटबॉल है, स्पोर्ट्स शू है। हाँ लेडीज लोगों के लिए शू देख सकते हैं हम लोग, ये 45 यूरो का जूता, 39 यूरो का शू, ये 80 यूरो है लेकिन 56 में स्पेशली फॉर लेडीज। यहाँ पे देख सकते हैं 52 70 यूरो, बहुत हेवी शू, मतलब एकदम हेवी है। कुछ स्पोर्ट्स शू देख सकते हैं वुमेन स्पोर्ट्स स्टाइल में, यहाँ पे भी 42 यूरो का। अभी भी लेडीज़ का मुझे उतना नहीं मिल रहा है तो फिर बस आप लोगों को बस दिखा दे रहा हूँ, 41 यूरो, 57, 45 वैसे करके। तो फाइनली टिम्बरलैंड आ गए, देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या हैं, 30% ऑफ चल रहे हैं। नेक्स्ट टिम्बरलैंड के जूते देख सकते हैं, स्पेशली अगर हाई हील वाले चाहिए तो एक जूता 165 यूरो का पड़ रहा है वो भी डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट के साथ।
ये भी 165 पड़ रहा है, ये 122। हम लोग आ गए हैं वैंस में, देखते हैं यहाँ पे कितने का क्या मिल रहा है करके। वैंस के शूज़ देखते हैं, 46 यूरो। ये देख सकते हैं जूता वैंस का, 46 यूरो। मतलब 40 यूरो से रेंज स्टार्ट हो रहे हैं इसके, 46। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू बैलेंस का है, यहाँ पे भी शूज दे सकते हैं, बहुत सारे शूज पड़े हुए हैं। कुछ लेडीज के 110 यूरो। यहाँ पे देख सकते हैं कोई कप्पा कोई शोरूम है, जूते कपड़े टी शर्ट। हम लोग बिल्ली टॉकीज में आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारे पास बिल्लीज के 4 टैकोस जो वेजिटेरियन है, और ये है इसका पैकेजिंग काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है, और ये ऐसे खुल जाता है और अंदर मिल रहे हैं आपके 4 टैकोस। और तो मेरा पर्सनल रिव्यू ये है खाने से पहले कि थोड़े फुद्दू बन चुके हैं हम, थोड़ा कट चुके हैं। ये टोटल 9 यूरो का माल है, इतने छोटे छोटे से। हाँ, ये तो लूट लिया से, लूट लिया हमें। 9 यूरो मतलब 800 रुपये हो गए लगभग, 850। 850 के 4 दिए, जितने अपने पूड़ी नहीं रहता है पूड़ी, इतना बड़ा सा उसमें थोड़ा सा डाल दिए। तो देख सकते हैं फाइनली सिर्फ ही एक जूता ले लिया स्केचर्स का, इनको देखिए इतना अच्छा बैग मिला है और सिर्फ बहुत खुश। कितने का है सिर्फ? 45 यूरो में सिर्फ ने स्केचर्स का लिया, 28 यूरो का मेरा है। तो हम दोनों लोग अभी शॉपिंग करके अभी जा रहे हैं। तो स्पेशली शू के लिए फेमस, मुझे शू बहुत पसंद है यहाँ पे, कम रेट में है। और बाकी जैसे कुछ कपड़े कोड़े का हुआ तो उतना मुझे नहीं पसंद है। अगर आपको ब्रांडेड चाहिए तो फिर आप कपड़े के लिए यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन सिर्फ बोलने का मतलब इंडिया से सस्ता मिला है स्केचर्स का जूता। ये इंडिया में 6200 का है, यहाँ पे मेरे को अंदाजित देखे तो 4500 तक का पड़ा। हाँ, तो इंडिया से सस्ता में यहाँ पे मिला कुछ कुछ चीज़ें। और जो दूसरी बात है शॉपिंग का, एक है इल सेंट्रो माल है मिलान में ही है, वहाँ पे मैं क्लॉथ्स के लिए आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि वहाँ पे क्लॉथ्स सस्ते में मिलते हैं। तो आप दोनों को कंपेयर, और ऊपर से वहाँ पे मतलब ब्रांडेड कुछ कंपनियाँ शोरूम है, जैसे प्राइमार्क हो गया और फिर कुछ शोरूम है, वहाँ पे सस्ते वाले शोरूम है, लेकिन यहाँ पे पूरे ब्रांडेड है। जो आपको दिख रहा है स्कालो मिलानो दिख रहा है ना, तो आप गूगल में टाइप करिएगा स्कालो मिलानो, तो आपको ब्रांडेड आउटलेट्स का स्टोर मिल जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत लोग आते थे तो आज मेरा पहली बार था। तो चलिए असीद को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि यही मुझे लेकर आए थे, मुझे शॉपिंग नहीं करना था लेकिन फिर भी मेरा 30 यूरो का खर्चा हो गया असीद की वजह से। तो आप आइएगा तो माइंडसेट फिक्स करके आइएगा, नहीं तो यहाँ पे इतने मतलब इतना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट रहते हैं ना, आपका मन नहीं करेगा तब भी आपको खरीदना पड़ जाएगा। हिम्मत करके एक लिया है, वरना तो आज 2-3 का प्लान तो आराम से बन चुका था। मैं भी एक्चुअली मुझे भी 2 शू बहुत पसंद आ गया था, लेकिन मैं फिर सोच के मैं नहीं लिया। तो आप भी आइएगा तो स्ट्रांगली फिक्स होकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे सामान मिलते हैं आपको ज़बरदस्ती खरीदना पड़ जाएगा। तो चलिए आप इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और किसी वीडियो में मिलते हैं। और शॉपिंग वगैरह अभी तो जूते का शॉपिंग हुआ है, और किसी वीडियो में और किसी शॉपिंग के पर बनाएंगे और आप वो शेयर करेंगे। चलिए बाय।